पनडुब्बी से टाइटैनिक का मलबा देखने गए लोगों की गहरे समंदर में रहस्यमय मौत हो गई। अब तक सिर्फ अंदाजा लगाया जा रहा है कि हादसा कैसे हुआ होगा। इसके साथ ही एक बार फिर ये बात होने लगी कि समुद्र अब तक क्यों स्पेस से ज्यादा रहस्य लिए हुए है। नेशनल ओशनिक एंड एटमॉस्फेरिक एडमिनिस्ट्रेशन के अनुसार साल 2022 तक दुनिया में 20% ही सी फ्लोर ही देखा गया। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है सूरज और स्वागत है आपका एक और शानदार वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि आखिर कितना गहरा है समुद्र, समुद्र क्यों अंतरिक्ष से भी ज्यादा खतरनाक है, किन वजहों से गहरे पानी में जाने से बचते रहे हैं वैज्ञानिक। इंसान चंद्रमा से लेकर मंगल ग्रह तक पहुंच चुका है, यहां तक कि दूसरे ग्रहों पर कॉलोनी बसाने की बात हो रही है, लेकिन अपनी ही धरती पर मौजूद समुद्र अब तक अछूता पड़ा है। एक्सपर्ट अक्सर ये बात मानते हैं कि समुद्र की गहराई को मापना अंतरिक्ष में जाने से कहीं ज्यादा रहस्यों से भरा और कई गुना ज्यादा खतरनाक है। आखिर वो कौन चीज है जो समुद्र को इतना जानलेवा बनाए हुए है। लेकिन उससे पहले जानते हैं कि कहां और कितना समय बिता चुके हैं एक्सपर्ट्स। अब तक 12 एस्ट्रोनॉट्स कुल 300 घंटे चंद्रमा की जमीन पर बिता चुके हैं, जिसकी दूरी पृथ्वी से लगभग 4,00,000 किलोमीटर है। वहीं समुद्र के सबसे गहरे तल पर 3 लोग मिलकर लगभग 3 घंटे ही रह सके। समुद्र की इस गहराई को चैलेंजर डीप कहते हैं। अब चलिए जानते हैं कि सबसे गहरा समुद्र कहाँ है। वुड्स होल ओशनोग्राफी के अनुसार समुद्र की औसत गहराई करीब 12,000 फीट है। वहीं इसके सबसे गहरे हिस्से को चैलेंजर डीप कहते हैं। ये जगह प्रशांत महासागर के नीचे मरियाना ट्रेंच के दक्षिणी छोर पर है। ये लगभग 36,000 फीट गहरा है। साल 1875 में पहली बार इसका पता लगा। तब से इसके करीब जाने की कई कोशिशें हुई, लेकिन हर बार नाकामयाब रही। अब चलिए जानते कि कैसा है चैलेंजर डीप। यहाँ गहराई इतनी ज्यादा है कि बिल्कुल अंधेरा है। चैलेंजर डीप का तापमान फ्रीजिंग पॉइंट से कुछ ही कम होता है। इस जगह जाने के बाद भी लोगों को ये पता नहीं लग सका कि यहाँ जीवन है या नहीं। सी एनिमल्स भी वहीं रहते हैं जहाँ रोशनी हो। यहाँ पर दबाव 15,000 पाउंड प्रति वर्ग इंच है। ये धरती पर दबाव से 1,000 गुना से भी ज्यादा है। आसान तरीके से इसे यूं भी समझ सकते हैं कि अगर किसी शख्स पर एक बार में 50 जंबो जेट्स का वजन पड़ जाए, तब जो प्रेशर बनेगा चैलेंजर डीप के हर इंच में उतना दबाव है। चलिए चैलेंजर डीप को छोड़ देते हैं, लेकिन क्या वजह है जो समुद्र के भीतर गहराई तक जाना लाखों किलोमीटर दूर अंतरिक्ष में सफर करने से ज्यादा मुश्किल है। इसकी एक नहीं कई सारी वजह हैं। सबसे पहला कारण है समुद्र के भीतर का प्रेशर। सिर्फ समुद्र के पास जाने भर से हम पर 15 पाउंड प्रति वर्ग इंच का दबाव पड़ने लगता है। ये गहराई के साथ बढ़ता ही चला जाता है, वही अंतरिक्ष में दबाव 0 होता है। अब चलिए जानते हैं कि बरमुडा ट्रायंगल का रहस्य अब तक क्यों नहीं खुल सका। पानी के ऊपर से गुजरते हुए कई हवाई जहाज गायब हो गए और पानी के जहाज भी एकदम कहीं से लापता हो गए। फिर इनका कुछ पता नहीं लगा। ये बरमुडा ट्रायंगल है जो अपने दायरे में आई हर चीज को निगल जाता है। इसे धरती का ब्लैक होल भी माना जाता है। नॉर्थ अटलांटिक महासागर का ये त्रिभुजाकार हिस्सा अब तक पूरी तरह से समझा तक नहीं जा सका। स्पेस के बारे में बहुत कुछ जानने वाले एक्सपर्ट्स भी इसे पैरानॉर्मल थ्योरीज या एलियन से जोड़ते हैं। यहाँ तक कि इस जगह पर जाकर अमेरिकी बम बरसक विमान भी रहस्यमय तरीके से गायब हो गए हैं। इसके बाद इस जगह को डेविल्स ट्रायंगल का नाम दिया गया। अब समुद्र की खोज में लगे लोगों को ये डर भी है कि कहीं इस जैसी कई और जगह तो गहराई पर नहीं होगी। समुद्र के भीतर तरह तरह के जानवर भी है जो डर स्पेस में नहीं। बेहद खूबसूरत दिखने वाले जेलीफिश भी कई किस्मों में इतनी घातक होती है, उनके छूने से सीधे नर्वस सिस्टम काम करना बंद कर देता है। नेशनल ओशन सर्विस के अनुसार ऑस्ट्रेलियन बॉक्स जेलीफिश समुद्र में अब तक खोजा गया सबसे खतरनाक सी एनिमल है। इसके अलावा पफर फिश भी जो 30 इंसानों को मिनटों में मार सकती है, इनके जहर की अब तक कोई काट नहीं मिल सकी। हाल में हादसे का शिकार हुई पनडुब्बी टाइटैनिक जहाज के मलबे को देखने गई थी। ये अकेला जहाज नहीं बल्कि हजारों सालों में पता नहीं कितने जहाज समुद्र की गहराई में समा चुके होंगे। इंटर गवर्नमेंटल ओशनोग्राफी कमीशन अनुमान लगाता है कि समुद्र के तल पर 3 मिलियन से भी ज्यादा जहाजों का मलबा जमा होगा। ये अपने आप में खतरनाक है। इसमें फंसकर तकनीकी रूप से अच्छे जहाज भी खत्म हो सकते हैं। समुद्र में वैसे तो जमीन के बजाय बिजली गिरने का खतरा कम होता है, लेकिन ऐसा हो तो मामला काफी पेचीदा हो जाता है। पानी कंडक्टर का काम करता है और बिजली अपने आसपास की हर चीज को खत्म कर देती है। समुद्री पानी में कई तरह के बैक्टीरिया होते हैं और इनमें से कई ऐसे भी होते हैं जो मांस को खा जाते हैं। कई ऐसे मामले आते रहते हैं। समुद्री पानी में एक्सपोज होने के बाद लोग इस बैक्टीरिया का शिकार हो गए। शार्क और व्हेल जैसी मछलियां लगभग 90% मामलों में बिना उकसाए ही हमला कर देती है। हालांकि असल खतरा वो सी एनिमल्स है जिनसे अब तक हमारा आमना सामना नहीं हुआ। समुद्र के भीतर लगातार तूफान आते रहते हैं। इसका कुछ ही हिस्सा धरती पर दिखता और तबाही मचा देता है। ऐसे में अंदाजा भी नहीं लगाया जा सकता कि गहरे पानी में कैसी हलचल मचती रही होगी। ऐसे मजेदार वीडियो के लिए लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में।